दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि समय शाम हो चुका है और आज हम पूरा रिव्यू करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक जो है कितनी बिजली मिल जाती है और कितना बिजली पैदा हो जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो किस मौसम में किस टाइम पर कितनी कितनी बिजली आपको प्राप्त हो सकती है पैनल से, ये चीज़ कोई आपको बताया नहीं होगा, बट मैं आपको एकदम लाइव बताऊंगा। मैंने शाम होने का इंतज़ार किया, टाइमिंग देख लो, यहाँ पे इस समय 5:30 हो रहे हैं, देख सकते हैं 6 बजने वाले हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि हमें बिजली कितने बजे तक कितने टाइम मिलती है। देखिए गर्मी के मौसम में आपको 6 बजे से 6:30 बजे से आपको सोलर पैनल से बिजली प्राप्त होना चालू हो जाता है और शाम के 5 बजे तक आपको बिजली मिलेगी 100%, मतलब कि 4 बजे तक आपको मिलेगा 100%, कम हो जाएगा। बरसात के मौसम में इसकी भी शुरुआत सेम रहती है, बट अगर धूप हो गया छांव हो गया ऐसा मौसम होता है, कभी कभी बदरी होता है, तो उस टाइम भी आपको थोड़ा से ड्रॉप होता है, बट वो काम आपका चल जाता है। अगर आपने बैटरी लगाया है तो बैटरी में आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम एक नंबर काम करेगा। बात आ गया ठंडी का, तो ठंड के मौसम में चाहे किसी टाइप का पैनल लगाओ, किसी टाइप का इन्वर्टर लगाओ, आपका बिजली का शुरुआत जो है पैनल से जब भी होगा तो आपका 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे से चालू होगा और शाम को 4:30 4 बजे तक आपको मिल जाएगा बिजली। इसके बाद जो है 20% 15% 10% रहेगा, मतलब ठंड में थोड़ा से आपको 70% से 75% बिजली आपको प्राप्त होगा, 100% आपको नहीं होगा, मतलब कि आप 60% मान के चलो एक प्रकार से। और डिपेंड करता है कि आपका पैनल कितना है, अगर आपके पैनल ज़्यादा हैं तो आपको ठंड हो गया चाहे गर्मी हो गया किसी मौसम में आपको दिक्कत नहीं होगा, हर मौसम में आप बिजली प्राप्त कर पाओगे। अगर आपका मेन चीज़ ये है कि आपके पास जैसे कि बिजली तब कम आपको प्राप्त होगी जब आपका जैसे कि मान लो पैनल आपने कम लगाया है, फॉर एग्जांपल आपका लोड जो है 5 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का सेटअप है, बैटरी है, इन्वर्टर, आपने पैनल लगाया मात्र 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट, तो पैनल कम पावर जनरेट करेगा और बैटरी को चार्ज करने के स्थान पे उसका सारा समय टाइम पार हो जाएगा। तो इस हिसाब से मिला जुला के आपको बिजली इस तरह से प्राप्त होगा, बट इसके लिए आप लोगों को पैनल हमेशा बढ़ा के लगाना पड़ेगा। तो पैनल हमेशा आपको बढ़ा के से लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐसा करने से जो बेनिफिट है वो कम नहीं होता है, समझे ना। अभी देखते हैं गाँव में बिजली नहीं, 1% बिजली नहीं है, आपको देख रहे हैं पूरा एकदम अंधेरा हो गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा घर है, देख सकते हैं ये पूरा मैंने 0 वाट के बल्ब लगाए हैं, और आप अब इधर भी देख सकते हैं कहीं भी कोई बिजली नहीं है, देख सकते हैं सब एकदम अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड अभी सोलर का ये सबसे बड़ा सिस्टम है कि बिजली हो चाहे ना हो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ आपको और बता दूँ, कभी भी अगर आप सोलर पैनल अपने घर के लिए लगाते हैं चाहे किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का, तो मेरी ये 2 बातें मत भूलना। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको YouTube पर कोई नहीं सिखाएगा और जो सिखाएगा वो अपने मतलब के लिए सिखाएगा, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहला चीज़, हमेशा पैनल ज़्यादा लगा के रखना, पैसे अगर आपके पास कम है तो पहले शुरू में कम पैनल लगाना, धीरे धीरे पैनल इंक्रीज कर देना। देखो पैनल ज़्यादा होने से ना बिजली आपको हर टाइम हर मौसम में प्राप्त होगा, समझे ना। और दूसरा चीज़, अभी लिथियम और ये आलतू फालतू जो प्रचार आ रहे हैं उसके चक्कर मत पड़ना, ये आपको लॉस करेगा। अभी आप नॉर्मल ही अपने काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एसिड बैटरी और ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर पे पैसे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप सस्ता होगा इंडिया में प्रोडक्ट, तो आप अपना चेंजिंग कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेटअप के पास, जो आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इन्वर्टर का फैन स्लो हो गया है, इसके अंदर 3 से 4 फैन हैं। जब अगर चार्जिंग होता है तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, अभी आपको दिख रहा होगा सोलर इस समय ऑन दिख रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे सोलर ऑन दिखेगा बट अब जो है सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इसमें कोई बिजली नहीं है, आपको यहाँ पे अभी शो करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड ऑफ है यहाँ पे, और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग भी ऑफ है, बैटरी चार्जिंग 0-0 हो गया है। और देखो सारी बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं
भी बैटरी हमारा फुल चार्ज हो गया है ना, तीनों बैटरी हमारा, तीन सेट का बैटरी हमारा चार चार ग्रुप इसने अकेला इन्वर्टर चार्ज कर दिया ठंड के मौसम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं अपना सिस्टम चलाता हूँ और आप भी चलाइए। जो मैंने आपको बताया, रिव्यू किया, और मेरा सुबह से लेकर शाम तक सारे हैवी से लेकर लो काम चल जाते हैं। हीटर हो गया हमारा, गैस घर का इंडक्शन हो गया, एसी तो ठंडी में बंद है, बाकी तो गर्मी में सारी चीज़ चलती है। ठंडी में हीटर हो गया और खाना बनने के लिए इंडक्शन हो गया, मतलब कि जो भी है काम सब चल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक काम भी मैं करता हूँ, आयरन भी हो गया, सारा काम मैं कर लेता हूँ, कोई रुकावट नहीं होता है, समझे ना। तो ये है पूरा प्रॉपर तरीका, आप लोग इस चीज़ को जरूर समझना। और ये जो सारे सिस्टम मैं लगाया हूँ, धीरे धीरे पैसे जुटा जुटा के मैं लगाया हूँ, इकट्ठा पैसा मैं नहीं लगाया हूँ। इकट्ठा पैसा लगाता ना तो मैं कर ही नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हूँ। आप भी ऐसे कीजिएगा, सफलता मिल जाएगी आपको। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना, कि मेरा न्यू चैनल है, आप लोग की ऐसी वीडियो आती रहेगी।